दिन में तो पछ तो मैं भी नहीं सिखा पाऊंगा आपको। अगर ऐसा हो ये कुछ नहीं बोले तो कमाल की बात करते, अब इंसान है तो बोलेगा ही ना कॉमरेड। लेकिन इंसान गूंगा भी तो होता है। अच्छी नजर है वल्ला, मैं कहूंगा कि मामू की आवाज चली गई, इलाज के लिए सरहद पर अड्डा शरीफ की मजार पे लेके जा रहा हूं। सुभाष बाबू हम यही रुकते हैं, बाहर पुलिस से खतरा है। जी बेहतर है कॉमरेड आबाद खान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जब पमख देखा आपको, आपकी मंजिल और हिंदुस्तान को आजादी नसीब हो, द खुदाई पामान। सुर सलाम। सुर सलाम। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तन्हा राही अपनी राह चलता जाएगा, तन्हा राही अपनी राह चलता जाएगा, अब तो जो भी होगा देखा जाएगा। जो भी तोर डाक सुने के उड़ाया से तो एकला चोरे, जो भी तोर डाक सुने के उड़ाया से तो एकला चोरे, एकला चलो एकला चलो एकला चलो एकला चलो रे, जो भी तोर डाक सुने के चोरे। बाजी पे लगाने की खातिर हम जान हथेली पर लाए, बाजी पे जान हथेली पर लाए, अब चाहे जिए अब चाहे मरे, जो होना है वो हो जाए, अब चाहे जिए अब चाहे मरे, जो होना है वो हो जाए। जो भी तोर डाक सुने के क्या नाम है तेरा? रहमत खान। रहमत खान कहाँ से आया? नौशेरा से। नौशेरा, और तेरा नाम क्या है? जियाउद्दीन खान। चुप कर, वो खुद बोलेगा अपना नाम। गूंगा है क्या वो? गूंगा। खबर न शिकवा ले, गूंगा है। हाँ। बेजुबान निकला था क्या माँ के पेट से? ना 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 ना, सब यश्ता हवलदार साहब, पिछले साल पता नहीं कैसा बुखार आया कि आवाज जाती रही, इलाज के लिए अड्डा शरीफ पे लेके जा रहा हूँ। बड़ा बड़ों की बोलती बंद करवाना और गूंगों का मुंह खुलवाना खूब आता है। जबान क्या? जबान दिखा मामू। आ सख्त, बड़ा पेचीदा मामला है, जरूर ज़ियारत पे ले जाओ इसे, शायद बाबा की बरकत होगी तो गरीब की जुबान खुल जाएगी। ठीक है ठीक है। ओए, इसे फिटकरी का कुल्ला करवाओ। अच्छा। जुबान नरम पड़ जाएगी। सही। शुक्रिया हवलदार साहब। जय जय जय। थोड़ा रुक के दम ले लें सुभाष बाबू। ओ तलवार, कितना सुंदर देश है ये। अरे इन पहाड़ों और पत्थरों में सुंदर क्या दिखा आपको? आजादी, ये देश आजाद है इसलिए खूबसूरत है। हाँ। एक रुपए का सिक्का है तुम्हारे पास? हाँ, हाँ, है। लेकिन यहाँ क्या खरीदना है आपको? हाँ? मुझे अंग्रेजों के शहंशाह को जूता मारना है। हाँ? हाँ? और उनके पिट्ठू वाइसराय के मुंह पे थूकना है मुझे। मैं भी जूता मारता हूँ। ये ले। Ya tariki that tariki chasing sadhus all over the country pulling off their beards, and what have you to show for it? Sir, here's a report that says he's gone to Bangkok to become a Buddhist monk. Rubbish. Next you'll be telling me he's gone to Afghanistan to join the fakir of Ipi. Yunaniyon ko kisne shikast di? Humne.
शकों को किसने मात दी? हमने। हुनों को किसने हराया? हमने। ईरानी और तुरानियों को किसने भगाया? हमने। और अब अंग्रेजों की बारी है। दोस्तों, मुजाहिदों, आज अड्डा शरीफ के इस मुकद्दस मजार पर हम फकीर का चोला पहनकर नहीं बल्कि मुजाहिद आजादी के भेष में हाजिर हुए हैं। अफगानिस्तान की मुकद्दस सरजमीन पर डूरंड लाइन तराश के हमारे दिलों को चाक किया है इन फिरंगियों ने, और पश्तून कौम इस बंटवारे को कभी मंजूर नहीं करेगी। और आज हम अकेले नहीं हैं, इतालवी और जर्मन कौमें इस जिहाद में हमारा साथ दे रही है। अल्लाह ताला ने इन अंग्रेजों को नेस्तनाबूद करने के लिए ही हमें इस दुनिया में भेजा है। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। इतनी फकीर बहुत पहुंचे हुए आदमी है सुभाष बाबू, कहते हैं हाथ लगा दें तो कंकड़ बम बन जाता है और पेड़ की टहनी तलवार। अगर ये एक सनकी मुजाहिद की बजाय एक मास लीडर होते तो हमारे लिए बड़े काम के आदमी होते। कुछ लोग इन्हें पागल पीर भी कहते हैं। किधर है? सीधे जाके राय। Ich bin Subhash Chandra Bose. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Herr Bose, what a coincidence. I was just reading about your escape. Pilger, Hans Pilger, please. I need your help, Herr Pilger. I wish to seek asylum in your embassy. It was very rash of you to come here like this. Kabul is crawling with British agents. All the more reason why you should give me shelter here. We cannot have you here. There are many Afghans working in this place. Some of them could be spies. Please understand, Herr Bose. Asylum cannot be given at a moment's notice. There are procedures. I must consult Berlin. I must inform my colleague, the Italian ambassador. Herr Pilger, the Sarai I'm staying in has already been visited by the police. I need to get out of Kabul. Can you help me do that? There is only one way, through Russia. For that, you need a transit visa. It is not so easy. Then what do you suggest? I can promise you this. I will contact my foreign office immediately, and I'll let you know as soon as possible. In the meantime, I suggest you stay at the Indian quarters in Shore Bazaar.